हेलो एवरीवन, आयशा के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ कवि संदीप द्विवेदी जी की कविता, जिसे उन्होंने जब मैंने उनका वीडियो देखा तो वो बोल रहे थे कि मुझे एक दिन नींद नहीं आ रही थी और तब मैंने ये कविता लिखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने इसे डेडिकेट कर देती हूँ। और संदीप भैया को मैं क्या बोलूं, उन्होंने क्या खूब लिखा है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुम तक सिमट रहे, ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू न्यू पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत का को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, पर कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूर तय कर आया है, दो पग चलने में रोता है, सब जाग रहे तू सोता है, किस्मत को थामे रोता है। माना कि मुश्किल भरी है, पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर ये हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लौट कर, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। तो संदीप भैया ने इस कविता में बहुत अच्छी चीज लिखी है कि हम लोग क्या होता है ना लाइफ में, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, तो हम क्या होते हैं, जब चला गया तो उसके पीछे भाग भाग के रोते रहते। अभी से शुरुआत करिए, आप आज से स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, जैसे आप स्टार्ट करेंगे, कुछ करने की कोशिश करोगे, तो आपको मोटिवेट करने वाले लोग कम मिलेंगे और डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो ये दुनिया है, इस तरह होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या है ना कि टेंशन लेने से क्या होता है कि हमारी हेल्थ ख़राब होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। हेल्थ जब डिस्टर्ब होगी तो फेस पे इफ़ेक्ट होगा, बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा, बहुत सारी, तो कुछ भी सिचुएशन है तो ऐसे उसको साइड करते जाओ। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग को थोड़ा भी कुछ भी मतलब डिप्रेस हो या कुछ भी डिप्रेशन में आ जाओ या कुछ भी, तो कोई ना कोई कविता किसी ना किसी रचयिता की आप सब सुनिए। और कविताओं में इतनी गहराई होती है, अगर आप उसके एक एक अक्षर को समझेंगे तो आपको ज़िंदगी जीने में आसान हो जाएगा। कुछ कविताओं की मीनिंग इतनी अच्छी होती है कि जैसे रहते हैं ना कि अभी मैं पानी में डूबने वाली हूँ, हाँ कि अब मैं बिल्कुल डूबने वाली हूँ, मरने वाली हूँ, लेकिन कुछ कविता ऐसी रहती है जिसको आप सुनेंगे तो इतना अच्छा लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ है लाइफ में, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मैंने देखा कहाँ है। तो बस कविताओं का और मेरा इसी तरह से नाता हो गया है। और लाइफ में क्या है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे मुस्कुराने से जो हमारे ये फेस की 22 हड्डियाँ जो होती है फेस की, वो भी मुस्कुराती है जब हम मुस्कुराते हैं। तो थैंक यू सो मच।